पर मैं कोई गैर से नहीं, मैं ते तेरा सखा भरा वा। ना भी बना यार मेरे माला, हुण मैं इन्हूं किस तरह पालांगा? पालन आली रब दी साथ हुंदी है। तू अपनी भैन की हसलत तो वाकिफ नहीं वीरा, जेड़ा इस मासूम नूं इहदे कोल लै आया है, इहदा ते ओह हिसाब है, गरीब दी धी रजी ते खे उड़ान लगी। बहुत ही चपड़ चपड़ ना करनी, वड्डीए आसफ दी हमदर्द ने। जे तेने दे ते इदां ही तरस आंदा ना, ते लै जा ते पाल लै इस मनूस नूं, डर जांदी अपनी मां नूं खा गई। मैं इहनूं लजा नहीं आई हां, पर एक गल गौर नाल तू सुन लै, जिन्हू तू मनहूस के है, मैं इन्हू अपने घर की नूह बनावांगी। तेन ते कोई इतराज नहीं वीरा? मैनू की इतराज हो सकता है भैणा, मैं ते समझांगा कि शरीफ अली पहले मेरा सिर्फ यार सी, ते हुण मेरा रिश्तेदार हो गया। रिश्तेदारी भी तारी दोवां दी आपस ही ची सकदी है, सियाने ठीक ही कहंदे ने, गरीब को गरीब मिले तर कर लंबे हाथ। ते एहो ये वक्त दी आवाज। मेरा यार ते दूसरा भी कुड़ी जिहड़ी मेरे पुत्र की मांग हुई, नाले यार ते नाले कुड़म, दो रिश्ते होए। खैर मेरे वड्डे पुत्र की जान ते अस्तोते विच है। आसिफ की गल है, तू किसी गली च बोल ही नहीं रहा, मुसलसल अखबार पढ़ी जा रहा है। ये अखबार खुब गया यार, मैंने एक काम याद आ गया, मैं हुणे आउणा। भाई तेरा प्राइस बॉन्ड का नंबर तो निकल आया, पर पैसे तेन इतो नहीं, स्टेट बैंक चो मिलेंगे। मेरा बॉन्ड निकलते आया ना जी? हाँ हाँ निकल आया। बड़ी मेहरबानी जी।
करते बई तू सप क्यों सुंगे तकी जाते हो और मेरा प्राइस बाउंड निकलिया मैं अमीर हो गया खुद बहुत जरा पैसा तू प्राइस बाउंड के जरिए हासिल किया है वो सारा भी हिस्सा वो इसलिए कि ऐसी हर कारोबार बराबर के शरीक हो सकता है कल तुम दोवे कहोगे मेरा भरा ताते बगैर जरा सह लेंदा है वो भी तुम बराबर के शरीक हो साढ़े यार मामले से ना बोल पे क्यों ना बोलना दौलतमंद बनन लई जद्दोजहद करे हुण दौलतमंद हो गया मेरी सारी नाराजगी दूर हो गई ठीक है यार जे तू सा भाईवाली नहीं रखनी चाहता ना था उपर जी रिश्तेदारी है वो तो कायम रहनी चाहिए रिश्तेदारी कायम रहनी चाहिए तेन नहीं पता आसिफ की धी मेरे पुत्र अन्नो दी कौन गे चार दिन कुड़ी नु घर ही रख ले हुण उसे कब्जा ही करना चाहती है तेरी भैन की कह रही आसिफ ठीक कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है तेरी मेरी रिश्तेदारी नहीं हो सकती और तू अपने खास वेख से मेरी हैसियत आसिफ बस ठंड आशु पुत्र अदरा मेरा पुत्र तेरी भैन दूगी जाके लाया हूं साढ़े घर ही रहेगी हाँ रूबी कार चली है मैं नहीं जाना चल रूबी कार चली है मैंने रूबी ने कहा मैं नहीं जाना तू बकवास बंद कर नौकरानी बनन दे भी काबिल नहीं रूबी हूं आसिफ अमीर दिखती है साडा गरीबा दे दिन की वास्ता याद रखे राबिया तू आखिया कि मैं रूबी की नौकरानी बनन दे काबिल नहीं फिर मैं तेन अपनी नौकरानी ना बनाया तो मैंने शनाज बेगम ना आखी तेरे पुत्र ने मेरे पुत्र नु मारिया अज तो बाद सारी जिंदगी मेरा पुत्र तेरे पुत्र नु मारेगा सर रूबी वीरा छे ना भुखिया नंगिया चला चलिए रूबी ने रोक ला मैं रूबी ने नहीं जान देना नहीं जान देना सोच रहे शरीफ अली सोच रहे हैं कि जे दौलत आने तो बाद इंसान इन्ना घटिया हो सकता है तो फिर रब करे मैं कभी भी दौलतमंद ना होवा जे दौलत ले आसिफ जे यार रंग बदल सकता है तो मेरे बाद इस कारोबार हिस्सा वसूल करन ले कई रिश्तेदार पैदा हो सकते ने इसलिए मैं स्टाम्प लिखाया है कि मेरी मौत तो बाद इस कारोबार मेरे हिस्से का वारिस सिर्फ तू है ये आज तू किहो जी गल्ला पिया करना है इनू यार दे जिद समझ ले पावे मिन्नत ये गल तेनू मननी पवेगी ओए मेरी ते जिंदगी भी यार दी अमानत है जदू चाहे ले ले पर मेरी भी एक गल मननी पवेगी 101 शर्तां दस मेरे यारा जे मैनू कुछ हो गया ते फिर मेरे सारे कारोबार दा तू वारिस होवेगा मैनू पता सी मेरे यार ने ये गल इस तरह नहीं मननी इसलिए मैं दो स्टाम्प लिखवा के ले आया ये अपने स्टाम्प ते मैं दस्खत किए हुए ने ये तू अपने कोल रख ले ते ऐसे स्टाम्प ते तू दस्खत कर दे समझ आ गई होनी है शरीफ अली कि मैं स्टाम्प ते तेरे कोलों दस्तखत क्यों करवाए दुख इस गल का नहीं
कि तू इन्ना कटिया ते कमीना निकले। दुख ते सिर्फ इस गल दा कि यार यारां ते इतबार करना छड़ दें। तू आपे ही ते कहा सी तेरी जिंदगी यार दी अमानत है, जदों चाहे लै लवे। ते मैं ते सिर्फ अपनी अमानत वापस लै रहा। ते सोच दुनिया कहेगी किन्ना अजीम सी शरीफ अली जिन्हें यार दी अमानत यार नूं दे के मौत कबूल कर ली। हुण दस किस तरह यार यार ते इतबार करना छड़ देंगे। पर तू मेरी जान क्यों लेनी चाहना है? हो सकता है तेरी इस कुर्बानी तो बाद मैं भी आसिफ की तरह अमीर आदमी बन जावा। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने जवेद जे मैं मर गया ते ओ जमाने ते ठेडे ठुडे खान लई कल्ले रह जाणगे। मेरे यहां बच्चों ते रहम कर। जख्मी हालत च सड़क तो चुकिया ते इहदे कोल इस कढाउणे दे सवार कुछ भी नहीं सी। तुसीं इस बच्चे नूं बचा के बड़ी खुदा तरसी कीती। साहब जी जे कोई इहदा वारस आ गया ते ठीक है, नहीं ते मेरे गुल्लू पुत्तर नाल ही पल जाएगा जी। ठीक है, मैनूं कोई एतराज़ नहीं। तुसीं अपना पता लिखा दिओ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਖਾਲਸ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗਰੀਬ ਦੋਸਤ ਆਸਿਫ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆਸਿਫ ਸੇਠ। इससे ले तुसी अपना नाम करोड़पति रख लिया। करोड़पति दौलत साढ़े यार की कमजोरी, मिलन लई सानू भी दौलत मन बनना पै गया। कहंदे ने ना, करोड़पति को करोड़पति मिले कर कर लंबे हाथ। पता लग गया ताड़ा यार सेठ आसिफ अजकल अमरीका गया है, पर उदी कली कली थी ऐसे शहर दी कॉलेज तालीम हासिल कर रही। इदा मतलब है साड़ी प्यारी भतीजी ऐसे शहर विच है।
पर हमको खबर ना हुई। खबर होली छठा उल्लू का पट्टा रूबी नहीं साड़ी भतीजी का हो सर पर साड़ी भतीजी हर महीने नवी गड्डी बदलने का शौक है। चाचे नु मिलेगी तो विचारी भतीजी नु तीन पहिया वाली साइकिल बदलने का शौक भी नहीं रहेगा। तेनु मेरी पसंद कीती हुई गड्डी वेचने की जुरत किवें हुई है? उसे रंग दी ते उसे मॉडल दी तुहानू दूजी गड्डी मिल जांदी है। प्लीज बेबी गुस्सा थुक दियो। इम्पॉसिबल मैनू ओह ही गड्डी चाहिए जिदे लई असा तैनू हुक्म दिता। एंड ऐसा नहीं होगा बेबी मैनू माफ कर दियो। मैनू मेरी पसंद कीती हुई गड्डी तू लिया दे ते माफी तैनू मैं दे दिनी आ। पर ओ गड्डी जिन्ने खरीदी सी ओ तो लै गया ते फिर एथो बन के तैनू मैं लै जावांगी। तैयार हो जा। ओ देखो भराओ तुसी समझदार नु समझाओ ए बेबी ते फिर बची है। मैं बची हां हुन दस मैं बच्ची हूँ। तो बका जल्दी कर जल्दी कर। नहीं नहीं मैं तो बच्चा हूँ तुसी ते अम्मा हो दादी अम्मा तुसी ते वड्डे बुजुर्ग हो। जे तू सानू अपना बुजुर्ग ना कहंदा ते असा तेनू गोली मार देनी सी। ए की है? ए उस गड्डी दी चाबी है जेड़ी तुसी खरीदना चाहंदे सो ते गलती नाल मैं खरीद ली। मैनेजर इस गड्डी दी रकम दे नाल नाल इन्हां नूं 5000 मुनाफा भी दे दियो। हुण लो जी औलाद कोलों वालदैन पैसे नहीं लेंदे हुंदे। की मतलब है ताड़ा? मतलब अपने प्यो कोलों पुछी मेरी भतीजी ते उस वेले निक्की जेही प्यारी प्यारी गुड्डी सी जदों वक्त दे जालिम थपेड़िया ने सानू दोवां यारां नू जुदा कर दिता सी। फिर तेरा चाचा अमरीका चला गया सी अन्नी दौलत कमाई हुण तेरे चाचा दौलत दी कोई कमी नहीं उन्हों ते सिर्फ अपनी भतीजी का प्यार चाहिदा है बस। चाचा भतीजी मैनू ते कुछ समझ नहीं आ रही। जदों साला साल दी तलाश तो बाद मैनू अपने यार ते अपनी भतीजी का पता मिलिया सी ते समझ मैनू भी नहीं सी आ रहा कि मैं एड्डी वड्डी खुशी किस तरह बर्दाश्त करांगा। नूक किसे ने तमीज नहीं? हाँ।
ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ 37 ਅਪ ਲਿਆ ਐ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 37 ਅਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਬੀ ਰੂਬੀ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰੂਬੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੂ ਲੂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਮਾ ਲਮਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨੂ ਅੰਨੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਨੀ ਤਵਾਲੀ ਐ ਪੈਸ ਨਹੀਂ ਜਾੜ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਇੰਨੇ ਮੈਲੇ ਹੱਥ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ बेबी दी बां पड़ी है तैनू नहीं पता मैं ओदी इज्जत ते आन दा मुहाफिज़ हां मेरे यार नू जख्मी कर ला लिया तू एथो जिंदा बच के नहीं जा सकता नहीं गुल्लू नहीं ऐसा हाथ नहीं चुकना हाथ नहीं चुकना हाँ गुल्लू गुल्लू है रूबी है मेरे बचपन का प्यार मेरी मंग ए गुटियों की निशानी है गुल्लू तेनू याद होना गुल्लू जो निके होंगे तेरे मरने वाले प्यो ने मैं जख्मी हालत ही चुकया सी ए गुटी उदों भी मेरे कोल सी मैनू मेरी मंजिल लभ गई है गुल्लू हुण ते मौत भी आ जाए तो परवाह नहीं जे ए गल सफर इस तेरा यार तेरे नाल रहेगा तो एक गल मेरी याद रखी अनू जे मौत भी आई तो पहले तेरा यार मरेगा अस्सलामुअलैकुम मैं बेबी का मैनेजर हाँ इस शहर में बेबी जिस किसी का भी बेड़ा गर्क कर दिया मैं चेक लिख के उसका नुकसान पूरा कर देना तुसी कहो तो तुम कोई ताकत दे टीके कोई विटामिन दी गोलियां उल्लू कोस की बोतल या खून की बोतल दे के तेरा नुकसान पूरा कर दिया मेरा नुकसान नहीं होया चलिया मेरा तो फायदा होया है कमा लिया एक यक चश्मे गुल मिलेगा वो कहना मैं बड़ा फायदा होया तू इना फिटर हो गए भी कही जा रहा है कि मैं बड़ा फायदा होया एक मैं बद नसीब हाँ बेबी को इन्ने सालों तो कोई फायदा नहीं उठा सकया वैसे मेरे जख्मी नौजवान एक गल मेरी गौर न सुन कल बेबी जा रही है पिकनिक पे कहीं फायदा उठाने उसके मगर ना चले जाना वो ना हो कि चार बंदे मंजी से चक के वापस लैके आन तेनू आ रूबी मेरी गलत सुन तू मेरा पीछा क्यों नहीं छड़ता मैं सहमन हूं सब पता है लड़कियां ने मैंने सब कुछ दसता है एंड में पुलिस से हवाले करांगी जिन्ना दे बुजुर्ग सिरते होण उन्हां नु पुलिस बुलाने दी लोड़ नहीं होंदी मैं अजे बदमाशा नाल आप ही बढ़ लांगा अंकल किन्ने दिनों तो मेरे पीछे लगा है फिक्र ना कर बेटी ओए तेनू मेरी भतीजी का पिछा करने की जरूरत किवें होई ओए फुल खिड़े ते पवरे नू जरूरत कौन दिंदा शम्मा जले ते परवाने नू जरूरत कौन दिंदा अनू नहीं गुल्लू नहीं अज तो बाद जे तू रूबी दे सामने भी आया ते मैं तेनू जानो मार देंगा खो लैण दे मेरी जिंदगी रूबी दी अमान Yeah.
इश्क न पूछदा जाता माए नी माए साडे पिंड विच इश्क दा रोगी दरोगी आया है तन विच मुंदरा ओ तन विच मुंदरा हाथ विच कासा जोगिया पे मतलब जिमी कल जेल वापस आ रहे हैं पैगाम भेजे इस इलाके का कोई शख्स टैक्स नहीं दे यतीम खाने पलन वाला झूठा बदमाश जिदा ना कोई अकान ना कोई पीछा मैं अपने दोस्त
आसिफ को जा रहा कल ते कल ही जिम्मी जेलों रिहा होके आ रहा है। मैं वापस आवा ते ओ इत्थे चमचा बन के नक नाल लकीरा कट रहा होवे। समझ गया टाइगर? उस झूठे बदमाश जिम्मी ने सन ललकार के सिर्फ अपने वास्ते मुसीबत नहीं खड़ी की बल्कि पूरे बाजार को भी मुसीबत च पा दिता है। और सानू टैक्स देने से ताडा ही फायदा है। जे जिंदा रहोगे तो बहुत पैसा कमा लोगे, जे जिंदा ही नहीं रहोगे तो पैसा किस काम का। मैं तो तुहानू कल ही आखिया सी इन्हां टैक्स दे दियो, असी इस गैंग का मुकाबला नहीं कर सकते। जिमी सानू मुसीबत च पा के आप दौड़ ला गया है। असी सिर्फ तीन तक गिरांगे। खुदा ते हो नहीं सकता, इंसान तू शक्लों लगता नहीं ते शैतान तो मैं डरदा नहीं। पहला मेरा एक ताकतवर ते जवान पिंडा रोल देख ले। मैनू ते मजा ही ताकतवर ते जवान कुकड़ा दिया बांगा कढ़ा के आंदा। मैं ऐसी स्याही है काका जिदे नाल किसी भी मौत लिखी गई ते लिखी गई। ते मैं और रबड़ा जेड़ा किसी भी स्याही ते फिर जाए ते उस स्याही नू हमेशा ले मिटा देंदा है, हमेशा ले मिटा देंदा है। लगदा तू अपना हाथ किसे नजूमी नहीं विखाया, नहीं ते तू इत्थे आण दी जरूरत कदी ना करदा। मैं अपने हाथ दीआं लकीरां ते नहीं अपने हाथ दी ताकत ते भरोसा करना। एडियां वध वध के गल्लां ना कर ते मौत मारिया जाएगा। जे मेरा चमचा बन के बाजार च टैक्स वसूल करके इस डब्बे च अपने हत्थी पा दे पहले तेरे कनेक्शन कटा या मैं स्विच ऑफ कर दिया। मेरा प्रोग्राम कुछ फरमाइशी जहा हो गया। तेरी फरमाइश मैं भी जरूर पूरी करांगा। पहला मेरे कनेक्शन ही तंत्र मारन। Thank you.
जी ते कर दे तोड़े कि दे मुंह ते थुका अरे तनु शर्म पर नहीं तनु शर्म फेर भी नहीं आनी इसलिए कि तुसी शर्म कोल के पी गए हो की आख्या मैं असी शर्म कोल के पी गए जिन्हां नु छितर खान दी आदत होवे ओ छितर खा के रंदे ने की आख्या मैं जिन्हां नु छितर खान दी आदत होवे ओ छितर खा के रंदे ने एक गल मेरी खोर न सुन लवो अज तो बाद जदों भी तुसी मेरे सामने आओ ए चूसनियां तुहाडे मुंह छोणियां चाहीदियां ने की आख्या मैं कह देना अपने झूठे करोड़पति नू जे फिर उन्हें कभी जिमी दे इलाके वाल तकिया ते मैं उहदा भी कनेक्शन कट देंगा की आख्या मैं चूसनिया कट देंगा कनेक्शन कनेक्शन कट देंगा जिमी जिमी नहीं जिमी नहीं मैं पहले भी तेनों कई बारी समझाया ऐ नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता रुखसाना उन्हें दूरी खत्म हो जानी चाहिए शादी कर ले ऐ दूरी खुद बहुत खत्म हो जाएगी ओ कम ऑन डार्लिंग शादी भी हो जाएगी वक्त तो पहले टूट जाने वाला फल कच्चा रह जाता मिस्टर जिमी पर उस फल दे पकने का मैं कदों तक इंतजार करा मौसम ते मौसम गुजरते जा रहे ने सिर्फ तेरी इजाजत ही लोड़े फल मैं आप तोड़ लवांगा फल जद पक जाए तो उन्हें तोड़न की लोड़ नहीं पैंदी वो खुद ब खुद चोली चा डिगदा इस तरह रुखसाना शादी तो पहला कनेक्शन नहीं कटन देंगी नहीं कटन देंगी फौजिया तू हाँ फौजिया जिदे नाल तू शादी ते झूठे वादे करके कनेक्शन ते कट दिता सी ओदा ना रुखसाना है ओदे नाल ते शादी करेगा ते फेर कुड़ी दा ना पावे कुछ भी होवे मेरे लिए सिर्फ शिकार है ते केड़े शिकार लिए किस किस्म दा जाल चाहिदा मैनू एदा पता है तेनू ते ए भी पता नहीं कि जिते बंदियां दे मुंह च तू चूसनियां दित्तियां ने ओदा ना करोड़पति है तू तेरे नाल कुछ भी कर सकता है उस झूठे करोड़पति ने एक दफा मेरे सामने ते आंदे कट देंगा कनेक्शन कनेक्शन कट देंगा ए भी अजब ही होया मैनू रूबी बेटी ने दस्या कि ओदे किसी करोड़पति अंकल ने ओनू कोई बड़ी महंगी जी गड्डी तोहफे दित्ती मैं ते सोच भी नहीं सकदा कि ओ तू होवेगा ते मेरे वांगों करोड़पति हो गया होवेगा करोड़पति तो सिर्फ मेरे नादा एक हिस्सा है नहीं ते मेरी दौलत दा ते शुमार ही कोई नहीं आते तेरी एक स्टेट तो वटी मेरी स्टेट अमेरिका भी है अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका है जिते खाते च मेरी एक जाया हो गई थी ते मेरा बेटा जिम्मे उत्थे होंदा बेटा जो तक मैनू याद पैंदा है जो तू अपनी बीवी नू तलाक दिती सी उदो तू अपने किसी बेटे का जिक्र नहीं सी कीता जो मैं अपनी बीवी नू तलाक दिती सी तो बच्चा भी उन्हें दे दिता सी तुहानू यारां नू इस वास्ते नहीं सी दस्या कि मैं तुहानू दुखी नहीं सी करना चाहता पर जो मेरी बीवी का इंतकाल होया तो वह बच्चा मैनू दे गई मैं इस बच्चे नू मां का प्यार भी दिता प्यो का भी ऐसी बच्चे ले मेरे इन्ने साल अमरीका गुजारने पड़े थे आसिफ की सोचन लग पाया यार कुछ नहीं बस मैं सोच रहा था कि रूबी बेटी जवान हो गई है अपनी तालीम तो फारग भी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह तू अपने बेटे की शादी कर देती नहीं यार तू भी मेरे अंदर साहब हैसियत क्यों ना तो मेरा ध्यान ही नहीं सी गया ले भाई रिश्ता पक्का ही समझ ओ थोड़े दिन ही पाकिस्तान आ रहा है मैं ओदे नाल गल करन तो बाद रिश्ता फाइनल कर देंगा तब ठीक है
विदेश तो वापस आए तो तू मैंने तलाक करी, मैं उन्हें लेके इतने अपनी स्टेट से चलाना। तो मेरा ख्याल है कि वो रूबी नु मिलके जरूर खुश होएगा। आज तो बाद इस कोड़े का टाइम टेबल मैं बनावांगी, इसलिए कि मैं तालीम खत्म करके हमेशा लिए अपनी स्टेट इच वापस आ गई हूं। हुन मैं शहर वापस नहीं जावांगी। इसलिए मैं भी शहर छोड़ के हमेशा लिए तुम्हारी स्टेट इच आ गया। तेनु साड़ी स्टेट दा राह किने दसे? इश्क हड़ दे पानी वांगू अपना राह आप बनांदा है। तेनु इस कार इच नौकरी दी इजाजत किने दित्ती है? अज बगैर इजाजत तेरे घर दा नौकर बन गया, कल बगैर इजाजत तेरे दिल दा मालिक बन जाना मैं। दरिया दे कंडे दे खलो के डुबण वाले ते हसी दा नहीं जान मेरी। वक्त तो पहले इत्थे निकल जानी है जान तेरी। जे ना बावां च मेरी जान निकले ते होर की चाहिदा। ते फेर मेरे पीछे पीछे आ जा, जो कुछ तू वेखेगा ओनू वेख के तेरे इश्क दा भूत आपे ही उतर जाएगा। ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ? ਓਏ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ? ਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਦਰਦ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇੰਜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਪਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। बाजी जी, देर नाल आण दी वजह? मैनू माफ कर दियो, अगों कदी देर नाल नहीं आवांगा। बाजी, तेरे देर नाल आण दी वजह तो साडे घोड़े भी भुखे ते साडे कुत्ते भी, समझे? अज तक तू मेरे यार नू रोज मारना है, पर मैं तेरिया बाहवा तोड़ देंगा ओए, जिन्ना नाल तू मेरे यार दी जिद्दर कुट करना। मैं तेरिया लत्तां तोड़ देंगा जिन्ना लत्तां नाल तू मेरे यार वल्ले वधना। मैं अज तेनू जिंदी जाने मुका देंगा ओए। चरकटे, तू मेरे हटे कटे यार नू बाजी बनाना है, अज मैं तेनू बाजी बना देंगा ओए। बकवास बंद कर ओए कुत्ते कमीने चरकटे, ओए चूड़े चमियार मेरे अगे बोलना। खुदा वास्ते ही मैनू माफ कर दे, उठ। मैं हूं कभी ख्वाब नहीं वेखांगा।
ख्याल है तेरा? ख्याल तो वही है जड़ा पहले सी। एदा मतलब है तेनू जिंदगी ना प्यार नहीं? जिंदगी नाल ते प्यार है, ते मेरी जिंदगी तू है। मरन तो पहला अपनी आखिरी ख्वाहिश तस के मरी। जिंदा रहा ते तेरा खामत बढ़ के, मर जावा ते लोकी कह के रूबी दे आशिक दी कबर है, ये भी ख्वाहिश है मेरी। इश्क तेरे ने तन मन दे विच ऐसी अग पड़काई, इश्क तेरे ने तन मन दे विच ऐसी अग पड़काई, ऐसी अग पड़काई, ऐसी अग पड़काए, मन भुल गई सारी खुदाई। इश्क तेरे ने, इश्क तेरे ने तन मन दे विच ऐसी अग पड़काई, ऐसी अग पड़काए, ऐसी अग पड़काए, मन भुल गई सारी खुदाई। इश्क तेरे ने, इश्क तेरे ने तन मन दे विच ऐसी अग पड़काई। नहीं ना से तोड़ा दो मैं आखर मान में तेरा, ओ अज नहीं ना से तोड़ा गा मैं आखर मान में तेरा, पत्थर नू पिघला देवेगा एक दिन प्यार मेरा, मेल दिलादा हो जावेगा, मेल दिलादा हो जावेगा, होनी दूर जुदाई। इश्क तेरे ने, इश्क तेरे ने तन मन दे विच ऐसी अग पड़काई। मैं जेड़ी अग विच सड़ना पवेगा तेनू सड़ना, अज मैं जेड़ी अग विच सड़ना पवेगा तेनू सड़ना, प्यार दसूले मेरी खातिर पवेगा तेनू चढ़ना, कल तू मेरी बन जावेगी, कल तू मेरी बन जावेगी, पावे अज पराई। इश्क तेरे ने, इश्क तेरे ने तन मन दे विच ऐसी अग पड़काई, ऐसी अग पड़काई, ऐसी अग पड़काए, मन भुल गई सारी खुदाई। इश्क तेरे ने तन मन दे विच ऐसी अग पड़काई, इश्क तेरे ने तन मन दे विच ऐसी अग पड़काई। केले ते छिलके तो फिसलन दी वजह नाले जाते बर्तन टूटे ने। अच्छा ते तू कहना ए चाहनी है कि छिलका मैं सुती है? नहीं नहीं मेरा मतलब नहीं सी। ते की मतलब सी तेरा बीबी को का सारा नवा सेट तोड़न दी सजा ते मिलनी सी, गुस्से में रहे और गटगा चलाती है, बिस्मिल्लाह करे और खालू दे रही।
ये कौन सी आसी? तू इनू नहीं पछाने? नहीं। ओए अपने शरीफ अली दी बीवी है। शरीफ अली दी बीवी? हाँ। पर इदा इत्थे ताड़े कोल की काम? ओ यार जिद सी साड़ी पैन दी। कैसी जिद? पैन खड़ा तुहानू इहो जे नीच लोकां नू मुंह नहीं लाना चाहिए। मुंह कदों लानी आ? मैं ते हमेशा जुत्ती नाल गल कर रही हां। सानू ते पता है भाई साहब, मैंने एक वारी आख्या सी कि तू ते अपने भरा दी धी दी नौकरानी बनन दे वी काबिल नहीं। इहदे पुत्तर ने मेरे पुत्तर नू मारिया सी। फिर मैं ललकार के कहा सी, याद रखी राबिया, तू आखिया कि मैं रूबी की नौकरानी बनन दे काबिल नहीं। जे मैं तेनू अपनी नौकरानी ना बनाया तो मैंने सुना बेगम ना तेरे पुत्तर ने मेरे पुत्तर नू मारिया। अज तो बाद सारी जिंदगी मेरा पुत्तर तेरे पुत्तर नू मारेगा। की सोचन लग पे? मैं सोच रहा हूं साड़ी भैन ने गल व्याई हो। हाँ हाँ भाई जान, हूं रोजाना मैं इनू ते मेरा शेर पुत्र एदे पुत्र नू बकायदगी नाल जलील करने आ। हाँ सर चाचू, आज ते तू वसूली करन जाना सी। मैं ते पैगाम भेज दिता है कि मेरे अंकल जी दा कर्जा मैं सूद वापस कर दे, नहीं तो मैं तेरी जमीन दे नाल तेरी धी ते भी कब्जा कर लांगा। तोहफा समझा अपने लिए या कुर्बानी दी बकरी? तेनू हलाल दा समझा या हराम दा? केड़े वेले की सवाल कर दिता है, यह गल ते चुदराणी को नो पुछनी पै। मेरिया बावां च आ, तेनू आप अंदाजा हो जाए। तेरिया बावां च ते हुण सिर्फ तेरी मां ही आवेगी, जिदी बुकल च लुकण लई तू थां लभनी। 5,000 रुपया इस कुड़ी वाल वध्दे होए हथ डकण दा, ते 10,000 रुपया जे तू अपने आप नू मेरे कोलो बचा जाए ते मैं अता कर दियांगा। निकल जाओ, ये हथां विच होण वाली है मोरिया चल के बंद कराओ, नहीं तो मैं और मोरिया कर देवांगा। क्या जाके चुराणी होरां नूं कह दिओ चोरी होई वी मगर मगर पहुंच रहे ने, युद्ध ते अज मजा आएगा। Thank you.
ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਦੇ ਦੱਸ ਜੀਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਸੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੈਂਟਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੋਵੀ ਪੱਠੇ ਬਾਹ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲੀ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਅਫਸੋਸ ਸਭ ਅਫਸੋਸ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਲੈ ਆਵਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨੀ ਬੁੱਢੀਏ ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਾਰਨ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਿੱਧਿਆ ਇਹ ਜਦਾਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ ਸੇਠ ਆਸਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਨ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਠ ਆਸਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਹ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਜਣਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪ ਸੋਚੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਬੰਨਣ ਦੇ ਪੱਪਰ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰੈਫਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਗੋਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਨਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵੇਖੋਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਬੁਰੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਸਿਰਫ ਦਰਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਿਓ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਚ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੀ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਛਨਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਛਨਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਵਜੀਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਾਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿਲਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋ
जनानी मैं वा मेरी मावे मैं वा प्यारी जनानी मेरी बात छोड़ दे मेरे चाचे दी धी भैन दा इना डिंडा ने बहुत नुकसान किया है की नुकसान किया है अच्छा मैं बोली जानी हाँ तो तू कीमत दसीगा किधरे होर उत्ते ना निकल जाना चलो जिथे रहो राजी रहो मैं चुप कर जा मैं जो बोला लिखी जा चलो मैं तोड़ो जिस तरह मेरे घर का समान तोड़िया सजे गरीब मां का पुत्र मैं गल्ला घट कर खेती में जाके मेरी धीन पैसे लिया के दे जा किसी में जा तेनू कहंदे ने डाढ़िया का सत्ती भी सौ मेरी धीन दे दे उन्हें होर भी बड़े काम हो गए क्या तेरे अच्छा बच अनुज जरनी जी आशु साहब जाके डेरे की तरह करते हैं कि अभी बड़े दिलो खार होके आए हैं नहीं मैं नहीं मेरा पुत्रा फिर किसी तरह मैंने थले लाल का बंदोबस्त कर दे पहले तो फिर चाबियों का की करना दे चाबियों मार बोली आशु नु मैं आपे इतला दे दियांगी अपने मरने का सारा ही काफी घोड़िया दिया लिता चुकना ते मजा नू पठे पाने ते रोज मार खा के अख ना चुकनी वाह 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 बस इनिया ही सिफत ने तेरे मुंडे च के कुछ होर भी है एक सिफत होर भी है चाचा जी ओ केड़ी मुंडा इन्ना कुछ शरीफ है जे ओदी मां नू कुछ आ जावे ते ओ मां दी जान बचाउण दी बजाए अपनी जान बचा के निकल जांदा मैनू यकीन है वीरा कि मेरे पुत्र दा व्याह तेरी ती सुल्ताना नाल हो जाए ते ओदा सारा डर खौफ उतर जाएगा सैना एहो जे मुंडे नाल ती ब्याह तू बेहतर है कि मैं उनू खुद धक्का दे दे अल्लाह ताडी जिंदगी करे चाचा जी वैसे मैनू उम्मीद काटी बकवास ना कर मेरा मतलब है अकलमंद लई इशारा काफी इंज लगदा है तुहानू साडे मुंडे दीआं क्वालिटीआं पसंद नहीं आईआं पर मैनू पसंद ने ए तू की कह रही है धीए मैं ऐसे मां दे पुत्र नाल ब्याह करांगी अब्बा तू ऐस बुजुर्ग मां दा दुख नहीं समझ सकिया पर मैं समझ गई हां एदी चोली च तीरे शगन पा दे अब्बा धीए अकल मंद लई इशारा काफी है चाचा जी हुण जदों बच्छी दी नोक नाल तिखी इस कुड़ी यानी मेरे चाचे दी धी भैण मेरी हमशीर दा ब्याह मेरे उस बुजदल वीर नाल होवेगा ते हवेली वाले अर्जे तौर तौर पहुंचेंगे
साडी इजाजत तो बगैर ते तू सह नहीं ले सकती ते व्याह करन दी जुरत किस तरह कर सकनी है दस। ए मुंडा कौन है जिन्हों आशु मार रहे ए शरीफ अली दा वड्डा पुत्तर है। अच्छा अच्छा ओ जिन्हें बचपन ही साडे आशु नू मारिया सी ओदी सजा इनू हुण तक मिल रही है। हराम दिया तोता शरीफ अली दा है। शरीफ अली ने यार कह दिया शर्म आ गई नवी और मैं तेरी शरक बढ़ जाऊँ। चल यार तू थुक दे उसे नू। ए दस के तू एक दम अचानक ए शहर वापस जान दा प्रोग्राम क्यों बनाया? ओ प्रोग्राम इसलिए ही बनाया है कि कुछ दिन तक मेरा पुत्र अमेरिका तो वापस आ रहा है। इत्थे आन दी वजह तेरा अंकल करोड़पति शादी दी मुबारक देन आया। मैं मतलब नहीं समझिया अंकल करोड़पति मतलब मतलब साफ है दोस्ती प्यार मोहब्बत। ए कौन ने जिमी रुखसाना है? रुखसाना बेटी ए मेरा भतीजा ते मैं दा अंकल ते ए तोहफा शादी दा अपनी नूह लई। ओहो बुजुर्ग का मान नहीं तोड़ी दा बेटी रख लो। तो ये तोहफा भतीजे लई अमरीका दा टिकट जदाद दा अद्धा हिस्सा तोहफा पसंद आया? टैड बेटे टैडी हुण मेरे कोलो नहीं बच सकती सेठ आसिफ दी दौलत ते ओदी ती रूपी। मरदिया भी मेरी जबान तो सिर्फ एक ही ना होगा रूबी।
कमीनिया, तू रूबी नाल इहो जिही हरकत करन दी कोशिश कीती है, मैं तेनू जूदे नहीं छड़ांगा। नहीं अश्नी, तेनू भी मेरे वांगर गलत फहमी होई है। इस जंगल च मैनू सप ने डंग लिया सी, इन्हें ते सगों मेरी जान बचाई है। देख आशु, इहदे होठां ते हले भी उस जहर दे निशान बाकी ने जिहड़ा इन्हें चूसिया सी। तू मुंह परां कर ले। साहब दा इकलौता बेटा जिमी अमेरिका च पढ़ के जवान होया, जिस तरह ए अपने बाप दी तमाम दौलत ते ओ स्टेट जिहड़ी अमेरिका च उहदा वाहिद वारिस है, इसे तरह मेरी इकलौती बेटी रूबी मेरी तमाम दौलत, मेरी तमाम जायदाद ते इस जागीर दी वाहिद वारिस है। ऐसी लही असा दोवां दोस्तां ने अपनी अपनी इकलौती औलाद नू एक रिश्ते च बनन दा फैसला कीता। रूबी, मंगनी दी अंगूठी जिमी बेटे दे हाथ च पवा दे। बेटा, मंगनी वास्ते रस्म जरूरी हुंदी है। गरीब पार्टियां भी ठंड पवे। अकलमंद नूं इशारा ही काफी है। तुसी तो नीवे नीवे होके निकलो गरीबो, बदल आ गए जे। ए
दीवानी तो नहीं हो गई? हाँ मैं दीवानी हूँ। अपने अन्नू दी दीवानी। रूबी की हो गया तेनू? इश्क रोग, इश्क रोग डैडी, इश्क रोग। इश्क देश कर दे सौ टके दे नौकर न। अरे अपना ना लवो डैडी, कौन है नौकर नहीं, इस कार दे जवाई है। तो फिर इस जवाई ले मैं कसाईया सिर ला देंगे दा। कोई चलिया दिलां दे ते सौदे ही सिरा ना लाउंदे ने। कट देंगा कनेक्शन, कनेक्शन कट देंगा। ना 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 नहीं बेटे नहीं, मैं तेनु खुशी दे मौके ते इते गंदे खून नाल हाथ नहीं लगन देंगा। गंदा खून ताडे अंकल एदा नहीं, एदी रगाई ते बड़ा ही चंगा खून है। अपने आशक दी औकात देख के गल करनी, तेरी औकात से मैं तेनु बाद इस दसांगी। मैंने तेनु तेरी औकात दसांगी पुफी, तेनु चंगी तरह याद होएगा। तू बिन मां दी निक्की दी बच्ची दी पुफी बनन तो फिर फैसले इनकार किया सी, फिर उदो तेरा भरा गरीब सी, फिर जदों भरा कोल पैसे आए तो उसे बच्ची जी तू मां बन गई। वाह नहीं तौलते, बड़े ही कमाल ने तेरे। तेरा मतलब है वे दौलत दी लालच असी मां पुत्र इथे रहने? ते होर कहां दे लिए इथे रहंदे हो? मां दिया पुत्रा ताड़ा ईमान पैसा, ताड़ा पियो पैसा, ताड़ा मतलब पैसा, ताड़ा खुदा पैसा। तेनु एहो जी गल करन लगे शर्म आनी चाहिए। शर्म से तानु आनी चाहिए, तेरे दौलत दे लालच च तीनों दो दो बार पे दें दे। गुड्डी नू गौर नाल देखो डैडी, जिहड़ी मैं बचपन इस ताड़े यार शरीफ अली दे पुत्तर नू दित्ती सी, हैनी अज तक इहनू सीने नाल ला के रखी है। अच्छा ते साड़ी नौकरानी राबिया दा पुत्तर है? ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਰਾਬਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਨੂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਸਿਰਫ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। इश्क तेरे ने तन मन दे विच ऐसी अग भड़काई, पड़काई।
जानो परी महफिल कखों हौलिया पानियों पतलिया करन वाली इश्का पिट गए। जे तू मेरी सक्की थी होंगी ना तो मैं ऐसे वेले तेन अपनी सारी जायदाद तो आस कर दी। मैनू आप करन तो बाद मेरे प्यो नू कतल करवा दी आप सारी जायदाद की वारस बन जाती। तेरा साडे लिए एक ही प्रोग्राम। मैं ठीक कह रही हूं ना फूफी? भाईजान बंद कर दे बस जबान नू कमरे। इस तो बाद इस घरों बार पैर नहीं पा सकेगी। मैं देखनी है ना कि सारी कर दी गई छड़ डाल देंगे रूबी। रूबी इन्हों आशु के डेरे तो बंद कर दो। मेरा ख्याल है कि जदों तक असी शहरों वापस आवेंगे ये सिर तो रूबी दे इश्ता भूत उतर गया होगा। मेरी अनु की गुड्डी अशरफ अशरफ तेरा वीर मिल गया है। मेरा नूर किथे रे मां? हवेली के तहखाने आशु ने उन्हें कैद किया होया है निशानी गुड्डी। याद कर अशरफ एक बारी बड़ी जोर से हनेरी चली सी खूनी हनेरी ते किसी जालिम ने तेरे प्यो नू धोखे नाल कतल कर दिता सी। सोचन की लग पे अशरफ और जालिम पता नहीं ओदे नाल की सलूक कर रहे होंगे। जे गल मेरी भी सुन दे अपने भरा छुड़ा के लियाएगा तो मैं अपनी जान दे दियांगी। मां ऐसी कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ सुल्ताना।
आज तक मां का पुत्र नहीं बनिया। मैं चुप रही, पर जे एक भरा का वड्डा भी ना बनिया तो मैं जिंदा रह के की करना है। मैं मर जाना चाहिए, मैं मर जाना चाहिए। नहीं सिर ते दुपट्टा भी लिया सू। अज बाजी गुस्से च लग रही है। बाजी जे अज तू सिर ते दुपट्टा ले ही लिया ते फिर गुस्से ना ना देख, कुंड कढ के जरा शर्मा के देख। बाजी जी जे तुसा कुंड नहीं कढ़ना ते मैं अपने हाथी तुहाडा कुंड कढ़ देना। ओए तू आशु ते हट चुके। मैं कसम मां दे दुपट्टे दी, अच्छा कहने या क्या कहने। किधरे ख्वाब तो नहीं पे वेखदा? ए ख्वाब नहीं हकीकत है। अज वाजी वजा आएगी बाजा बाजा। लाला मेरे रस्से ते खोल, इन्हां नूं पता लगे जो दा दो सके भरा कंड नाल कंड जोड़ लैंदे। मां उठदी उहनां कोल पनाह मंगदी है, तेरे रस्से ते मैं हुणे खोल देना। नहीं खीरिया नहीं, जिन्हां ने बन्ने खोलन के भी ओ नहीं, नहीं। अज ख्वाब नहीं सुचली मारांगा। तेरा बिछड़िया पुत्र अन्नो। अन्नो बेटी खाना अच्छा नहीं,
खाने में कीड़े पे हुए सन। यार तो बगैर खाना हजम नहीं होता। पुप्पी पुप्पी सदके ए जड़े तू नखरे कर रही है ना अपने आशिक नु वहाई। मैं नौकरी आना तेरी मैं चमक छलो दे पीछे पीछे खाना लेके आवा तो तू ना खावे हराम जादी आज मैं खाना तेनू अपने तेनू खीर चंगी लगती है ना तू खीर खाएगी ना तेनू खुआवांगी हुने खुआवांगी खीर खुआवांगी यार मांगनी है हराम हो रे तेनू भी तो भुख लगी होगी फुफी तू शहजादी सुल्ताना डाकू चुदरहानी का भी हाथ कमजोर से बड़ा चलता आ तेरा पा हाज नू लम्या ते कड़ दे दे कड़ाके कड़ 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 आ सुल्ताना अन्नू तेरा हवेली तो बाहर इंतजार कर रहे तुसी दोनों छेती ना निकल जा अन्नू मेरा इंतजार कर रहे तीए दरवाजा क्यों बंद कर दिता है तेनू रच के खुआन ले नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खावांगी क्यों खाने से कीड़े पे हुए ने यार सुमरे भी यार तो बगैर खाना हजम नहीं होता ये हराम जादिये आज तेनू मैं खाना मैं अपने हथी खुआवन तू मैं खीर खाएंगी ना नहीं 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 तीजे खीर तेनु चंगी लगती है ना नहीं यार मंगनी हराम खोर नहीं नहीं सुभान अल्लाह क्या स्टाइल है खीर खाने का नम 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 चौके अल्लाह फल खीर खा ले शौक पूरा कर ले सॉरी खीर खा कर दे दिया मैंने माफ कर दे खीर खा रही है या पोचा फेर रही है मैं क्या चुदरानी जी खीर मां मिठा था ढी गया खुर गई मैं ठंडे से पत्ता से वांग खुर गई खुर गई मैं खुर गई मैं ठंडे से पत्ता से वांग खुर गई प्यार वाले बदली हो जाए बस पई प्यार वाले बदली हो जाए बस पई बीच के मैं सदरा दी नदी विच रुड़ गई खुर गई मैं खुर खंडे ते पता से वांगु खुर गई Thank you.
फुर गई, खुर गई मैं खुर गई, मैं खंड दे पता से वांग खुर गई। विच रहन वाली मेरी धी नू जमीन दे इस कीड़े नाल इश्क हो गया है। वाह वाह भाई वाह। इश्क ना वेखे ऊंच नीच नू, इश्क ना पुछे साता। मन गया है तू मेरी धी नू पूरी पूरी तरह अपने जाल विच फसा लिया है। जानदा सन के रूबी मेरी कली कली धी है, एदे हथों मजबूर करके तू मेरे को कुछ भी मनवा सकना है। उधर की वेखना है, इधर वेख है, ये खाली चेक है, इधे जो चाहे पर ले, ते मेरी धी का खेड़ा छटे। वाल में तोपे सफेद नहीं कीते बेटी, अंतन मेरी गलती समझ आ गई होनी। जदों वक्त दे बुढ़े हाथ जवानी दी अखां च अपने तजर्बे दा कज्जल पांदे ने, ते फिर जवानी नूं गलत ते सही दी पछाण हो जांदी है। एदे ते दस्तखत कर दिओ सेठ साहब। ए की कह रहे हन नूं? ए ठीक कह रहे हैं, गरीबां दा पुत्तर है ना, जानदा है अमीर ते गरीब दरिया दे दो किनारिया वांगू होंदे ने, जिहड़े अजलां तो नाल नाल ते चलदे ने पर मिल नहीं सकते। इश्क दा रोगी रूबी, इहदा की मतलब है मुंडिया? मतलब साफ है सेठ साहब, इश्क दे रोगी लई रूबी दी कीमत सिर्फ रूबी है। मुंडिया हुन की ख्याल है नोटा वालिया, इस गरीब दे बारे च? ए गरीब मेरे सामने पिक मंगा भिखारी है। पर भिखारी मेनू तुसी लग रहे हो एदे सामने, तुसी एदे कोलो अपनी धी दी भीख मांग रहे हो, तरले कर रहे हो, मिन्नता कर रहे हो कि किसे तरह तानू ताडी धी मोड़ देवे।
पर इश्क दा बादशाह इस फकीर दी चोली च खैरात नहीं पा रहा। फिर मेरी धी दा अपना की ख्याल है? रंजन रंजन कूकदी, मैं आपे रंजन हुई। इस मुंडे नू रूबी दी जिंदगी चो कट दे टाइगर। तुसी फिकर ना करो सेठ साहब, रूबी दी जिंदगी चो की मैं इनू एदी अपनी जिंदगी चो भी कट देंगा। ओए अन्नू नू रूबी दी जिंदगी चो कटन आला कौन चंबिया है? कल सुनो सेठा, मैं चावा ते अच्छी रूबी नू ना ले जावा, पर मैं जबरदस्ती करनी नहीं चाहता। ठीक एक हफ्ते बाद जंज लेके आवांगा। आनो हुण इहदा इलाज सिर्फ जिमी है, मेरे करोड़पति यार दा पुत्र जिमी नू वेखण दा शौक लैके मैं पिंडो आया सा, पर पता नहीं ओ कदों आवेगा। किसे काम कराची गए सन, हुण तक उन्हूं आ जाना चाहिए। चाचा जे तेरा जवाई हुनी वखा दिया ते मैं तेरा मुंह। चाचा ए जिमी तेरा जवाई। ए मेरे जवाई साहब कराची भी ते गए सन। जिमी ए मेरा प्योवा वर्गा चाचा है, एने मनु जिमी ठहर जाती है। आज तो 3 दिन बाद शादी, झूठा करोड़पति असली करोड़पति। तू लमिया की सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि रुखसाना ते उदा लंगड़ा चाचा कह दो जे उथे पहुंच गए ते। जिम्मी बेटे तेरा है नकली डैडी, बड़ा जलील घटिया ते कमीना आदमी। मतलब तेरी बीवी ते चाचा कह दो। डैडी जी बेटा बड़े ही हरामी हो तुसी, बड़ा ही हरामी हो। हरामी नहीं, हरामिया दा प्यो। कट देंगा कनेक्शन, कनेक्शन कट देंगा। चाचा एक करोड़पति दे बंदे ने ऐसे की लेना आयो तोड़िया जिंदगियां। ऐस नहीं कि जिथे जान दी तुसी तैयारी कर रहे हो उत्थे ना पहुंच सको, सारा शहर भी कट्ठा होके आ जावे। असा जिथे चले चला चले मुंडियो। बहुतिया गल्लां ना कर लंगड़िया, ते सिर्फ ऐ दस कि तोड़िया लाशा नू किथे पहुंचाना है। लग गए इन्हां नाल दो दो हाथ करने ही पैणगे चाचा। चाचा ओ चाचा कह दो जरा सप कटना छेती कट। ना काका ना, तेरी तो तुसा चलानी है चला लो। मैं तो तुहाडे कोलों खो के तुहाडे मूंह च मार जाना। Thank you.
ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਜਿੰਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੰਮੀ ਜਿੰਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਠ ਆਸਿਫ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ अच्छा नचनी है नचावांगी भी बहुत अच्छा जिम्मी साहब अरे इस खुशी दे मौके ते और किन्नू किन्नू नचाएंगे तेनू ओ भी तिगनी दा नाच ओ इस नहीं कि तेरी रंग जी वखरी है अकल मंद लिए इशारा ही काफी है इडियट Hello.
साडे मेहमानां नाल बदतमीजी करन दी जरूरत किस तरह है? ऐस महफिल च अपना मुकम्मल तारफ करा। तैना अपना तारफ करावा या इस खबीर दा? आतिफ, ये कोई बहुत ही आवारा जी कुड़ी लगती है। आवारा है नहीं, आवारा तुसी हो, आवारा कुत्ते। तुम कौन है? तुम? मैं कारपोरेशन दी ओ मुलाजिमा जेड़ी किसे भी कीमत ते आवारा ते पागल कुत्तियां नू बर्दाश्त नहीं करदी ते कुचला दे के मार देंदी है। ये सब की हो रहा है डैडी? अंकल है बीवी है तेरी? क्यों वे झूठे है डैडिया, बोलदा नहीं हूं। बीवी ते झूठा डैडी? जे तुसी औरतां ना हुंदियां ते जुबान खिंच लंदा तुहाडी। मैं कदी कमजोर ते हथ नहीं चुकया। पर फुल दे कुगवा, औरत सिर्फ उस वक्त तक कमजोर है जब तक रिश्ते दे बंधन विच बंधी है। रिश्ता टूट जाए ते मर्द नु मिटा सकदी है, औरत नाजुक है पर कमजोर नहीं, ताकत ना ही औरत दा है। जिमी सच सच दस, तेरा इस लड़की ने की रिश्ता है? एक ही दसेगा, मैं दसनी है तानू। ए खावंद है मेरा ते मैं दे बच्चे दी मां बनन वाली हूं, ते ए बहुत वड्डा फ्रॉडिया है। ए दोवे मिलके मनु कतल करवाना चाहते सन, मैं ते बच गई हां, ते हुन अल्लाह ने चाया ते ताडी ती ते दौलत नु भी बचा लांगी। ए सब झूठे अंकल, कट देंगा कनेक्शन, कनेक्शन कट देंगा। तू की कटने कनेक्शन बेचारिया, तेरे ते अपने सारे कनेक्शन कटे गए ने। ना की सबूत है तेरे कोल ये बच्चा है? तेरे कोल की सबूत है के तू अपने प्यो दा पुत्र है? गुड़िया है तू, मैंने ना अपनी माँ दा ना अपने प्यो दा जबरदस्ती दी पैदावार लगने। वे तू हर दा ओ पानी है जेरा जिंदरों लंघ जाए अपने पीछे गंदगी दा ढेर ते बदबू छड़ दिंदा है। अंकल जी, ए अंकल करोड़पति ते उन्हां दे पुत्तर जिम्मी दी इज्जत ते चिक्कड़ फटना चाहुंदी ने। ए सानू सारा नू बेवकूफ बना के अपना कोई मतलब करना चाहुंदी ने। बेवकूफा नू बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होंदा बोटी जी, ते नालिया ना दी झूठी इज्जत दा ते मैं भनूदा कर देंगी। ओहो, मेरी समझ च नहीं आ रहा है सब कुछ की है। ए सानू मैं की जानी आ पहचान? असल शरीफ अली दे घर वालिया ने ताड़ी दौलत ते कब्जा करन लई ए नवा प्रोग्राम बनाया। ख्वाजे दा गुआ डड्डू भी आ गया जी। नहीं तू किहो जी औरत है जेड़ी दो दो औरतां दी जिंदगी तबाह करना चाहनी है? पर हुण कोई भी मर्द किसी औरत दी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकेगा। तू इस मुल्क दियां औरतां दी ठेकेदार है, जे कोई मर्द किसी औरत दी जिंदगी तबाह करना चाहे तू की कर ले? मैं ही तेने दसना चाहनी अपने मुल्क दिया पैरा नू, मर जदों में चाहे अपनी जिंदगी च बहार दा मौसम ले आवे ते औरत दी जिंदगी च खिजा दा मौसम आके क्यों ठहर जांदा है? सिर्फ फैसले कि जदों भी कोई मर्द किसी औरत दा हक होंदा है औरत रोंदी है हाथ जोड़दी है या खुदकुशी कर लेंदी है। अच्छा बस बस बंद कर लेक्चर, मैं सब कुछ समझ गया। तुसी मेरी दौलत ते कब्जा करन लई मेरे दामाद ते एक गंदा ते बेहुदा इल्जाम लगाया है। परसों मेरी बेटी दी शादी। असीं भी परसों ही आ जावांगे, ले जावांगे अपनी नूं तेरा खामन जिने। ए ट्रेलर सी पूरी फिल्म परसों से आ रखा ना, सिर्फ दौलत बाकी सब मत रहे। नटकी है,
तुसा दस करोड़ों की जायदाद से कब्जा करन दा अज सोचिया, असी मां पुत्र ने सारी उम्र ऐसे ख्वाहिश गुजारी। ओ खुल के गल करो, चांदे की हो ए होई कि रल मिल के खाइए। ये तो तुम समझ आ गई होनी है कि साढ़े बगैर तुसी कौड़ी दे नहीं। कौन कहंदा ओए असी कौड़ी दे नहीं, कट देंगा कनेक्शन, कनेक्शन कट देंगा। नहीं नहीं जिम्मी, असी शरीर ते अम पसंद शहरी है, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं। दसो किस तरह लगोगे? सारे माल दा 50-50, अद्धा साडा अद्धा ताडा। पर रूबी दी जवानी दा रस सिर्फ मैं चखांगा। मुक गई शहजादे, रूबी 100% तेरी। गुल्लू तू इतने खैर ते है? मेरा अन्नू तो ठीक है ना? अन्नू ठीक है ना? हाँ हाँ अन्नू ठीक है, ते उन्हें तेरे लिए खत भेजे है। अन्नू दा खत की लिखी आने? ए तू आप पढ़ ले। जान तो प्यारी रूबी, परसों तेनू लैण आवांगा, तैयार रही, तेरा अपना अन्नू।
कट देंगा कनेक्शन, कनेक्शन कट देंगा। नहीं जिमी नहीं, उस बदबخت की मौत तेरे हाथ नहीं, मेरे थोड़ी। रूबी जो मैं कहा तो वही करे। मेरी अच्छी बेटी, इतनी बारी मेरी धी का ना तेरी जबान से आया है, मुंडिया रूबी अपनी जिंदगी का जरा फैसला करे, तेन मंजूर है? मंजूर है। रूबी, रूबी बेटे, तेरे डैडी ने जिन्होंने तेनू एक शानदार ठाकदार जिंदगी दी है, ते तेनू करोड़ रुपया वैसे ही दिता है, ते दूजे पासे फुकरा है जिस बेचारे नू इश्क रोग हो गया है, तू किहड़े पासे जाना चाहनी है, इहदा फैसला तू आप सुना दे। आरूबी सुना दे इहनां नू अपना फैसला। ए सच अनु कि तू मैनू बहुत चंगा लगना है, पर एक सच यह भी है कि मैं एक अमीर बाप की अमीर बेटी हाँ, तू गरीब मां का गरीब बेटा, दो चार दिन हसना खेडना होर गल है, ते सारी जिंदगी का साथ होर गल है, जिस ऐश आराम नाल मैं जिंदगी गुजारी है वो जिंदगी तू मैनू दे नहीं सकता, ते मैं तेरे नाल शादी कर नहीं सकती। रूबी वापस चला जानवर, यह हुई तेरे लिए भी अच्छा है ते मेरे लिए भी। और सुन लिया ये, या कुछ और सुनना बाकी है? ते फिर तुसी भी सुन लो अंकल, तुसा जो कुछ मैनु सखाया सी वो मैं कहते दिता है, पर वो जरा भी सच नहीं सी, सब झूठ सी। चीकन क्यों लग पिया कानिया, तू अपने आप विच बड़ा ही चलाक ते होशियार बंदा सी, कैसी कड़ी है तेरी चलाकी? जो दिल है कह दे, शादी तेरी जिमी नाली होएगी। मैं ताड़ी तिया कोई जागीर नहीं, जिनू जदों चाओ जिदे अगे चाओ बेच दियो। पानू डैडी, सूरज की रोशनी अज तक किसी दे रोकन ते रुकी है? बंदूक दे गोली इस मुंडे नू हमेशा लई तेरे को दूर कर देगी, ते तू इत्थे रुक जाएगी। ते फिर एक दी थां ते दो गोलियां चलानियां पैणगियां, असी कठे जी ना सके ते कठे मर के जरूर वखा देंगे। मैं रूबी नू लैके जा रहे अंकल, असी दोवें अज ही विआह कर लवांगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश सी कि तुसी अपनी धी नू अपने हत्थी डोली च पा के रुखसत कर दे, पर यह शायद साढ़े मुकद्दर च नहीं सी। आरूबी कट देंगा कनेक्शन, कनेक्शन कट देंगा। नहीं जिमी, इधर जान दे। आसिफ तू इस मुंडे कोलो हार मन गया? नहीं, इस मुंडे कोलो हार नहीं मनी। क्यों? अपनी धी को जित नहीं सके। मैं बड़ा जलील कमीना ते यार मारा, आसिफ मेरा यार है, उसकी जायदाद से कुड़ी किस तरह मेरे को बच सकती? पर मैं हुन बहुती देर इंतजार नहीं कर सकता, रूबी अज ही मेरे बिस्तर ते होनी चाहिए। तू फिक्र ही ना कर जिमी, मैं इसका मुकम्मल इंतजाम कर चुका। असी तीन यार होंगे सर, मैं आसिफ ते शरीफ अली। पहली बारी मैं शरीफ अली को इस टाइम से दस्तखत करवाए, ते वो कतल हो गया,
ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਸਿਫ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਟੰਟ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਆਸਿਫ ਕੌਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੰਟ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ डेरे से बुलाने की कोई खास वजह आसिफ अब जो रूबी साड़ी इज्जत का जनाजा कट के उस चोट टके के मुंडे नाल चली गई सच पूछे मैनू अपने पुत्र जिम्मी का भी इतबार नहीं रहा किदा इतबार करिए ते किदा ना इतने मेरी समझ च भी नहीं आया पर मेरी समझ ये आया मेरे यारा जे रूबी तेनू छट के जा सकती है तो फिर मेरा पुत्र जमीन मैं फैसला कर लिया जे मैं मर गया तो मेरी जायदाद से कारोबार का वारिस तू होएगा तेरा पुत्र नहीं वो किस तरह स्टाम दे जरिए तेरी ये गल मैं किस तरह मन लू मैनू पता थी तू मेरी गल इस तरह नहीं मननी इसलिए मजबूरन मैं एक एग्रीमेंट तेरे वालों ही बनवा लिया कि मेरी मौत तो बाद मेरी जायदाद ते कारोबार दा वारिस तू होएगा मेरी बेटी रूबी नहीं ठीक है ना तू इस स्थान से दस्तखत करके मैनू दे दे ते इस कागज से दस्तखत करके मैं तेनू दे देना वा पहला मैं करा दस्तखत या तू करेगा नहीं नहीं पहला मैं दस्तखत करांगा तू दस्तखत नहीं कीते इसलिए कि मैं तेरिया गल्लां सुन चुका वा केड़िया गल्लां सारिया गल्लां सुन चुका जिम्मी तेरा पुत्र नहीं पता लग गया है दाम से दस्तखत कराने तो बाद तू शरीफ अली नूं कतल कर दिता मेरे कोलों दस्तखत कराने तो बाद मैनू भी कतल करके मेरी जनाब से कब्जा कर लेगा पर ऐसा हो नहीं सकेगा इसलिए कि तू बड़ा दलील कमीना तैयार मारे है ना पर दस्तखत तेनू करनी पैणगी मैं दस्तखत साफ कराते फिर हूं तेनू मेरी गोली को कोई नहीं बचा सकता नहीं पुत्र नहीं मेरे प्यारे वीर ते गोली ना चलाई जे दस्तखत कीतियों बगैर ही मर गया तेरी सारी जायदाद दी मालिक एदी ती हो जाएगी शनाज तू भी इन्हां दे नाल तू तो मेरी सकी भैन है ना ना सकी सिर्फ दौलत बाकी सब मत रहे हुण तेरी जायदाद दा मालिक मेरा पुत्र आशु बनेगा जचिए शहजादी जचिए गल सुनो आसिफ भली नीत नाल दस्तखत कर दे थोड़े दे जी तेरी बचत नहीं करांगा दस्तखत नहीं करांगा ना कर दस्तखत असि आप ही करा लांगे वो किस तरह मेरे सकिया भरावा इस तरह इन्हें इतने बन दिया गया अज इहदी धी दा विआह इहदे मोहे होए गरीब यार दे पुत्र नाल हो रहा है ब्याह तो पहला उहदे नाल सुहागरात जिमी मनाएगा फिर मैं उहनूं इहदे सामने लियावांगा वेखांगा दस्तखत किवें नहीं करदा कट देंगा कनैक्शन कनैक्शन कट देंगा अशरफ ते सुल्ताना मौलवी साहब नूं लैके आने वाले होणगे तुम ही छेती छेती सुहाग दा जोड़ा पा ओए हुण किसे नूं इत्थे सुहाग दा जोड़ा पाना नसीब नहीं होना राबिया
जावेद, जावेद नहीं जैकी करोड़पति, ते दसना तुहानु है वे कि हुण तुहानु कफन ही पहने। कौन जमया सानू कफन पुआ वाला? मैं पुआवांगा तुहानू कफन। ए मेरी धी का घर होए तो मैं घर खून की होली खेडन वाले नू जमीन जिंदा कट देंगा। बड़े प्यारे ने हाले इन्हों को मैं बड़े कम लेने ने। ले चलो इन्हों दो मां पुत्रा नू। जिम्मी जिम्मी विचारा। जिम्मी मेरा कारोबारी शरीक। टाइगर सलील कमीने तेरी मां पहनी घर विच यही कमेगी ना, पर मैं यतीम खाने च पलन आला मां ते पिंडा ना ही नहीं सुनिया। बचाओ बचाओ, छोर पान का भी सोच रही होगी है ना, पर तेनू बचान ते तेरा प्यो भी नहीं आवेगा। वदा कनेक्शन असा तेरे तो पहले ही कट दिता है। टीवी की मौजूदगी तेनू एहोजा काम करते हैं शर्म नहीं आती? पर की करा, अपनी बीवी के इलावा बाकी औरतां ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। गैर मर्द वाल वेख भी सके ते फिर मर्द नु हक किने दिता है कि वो किसे दूजी औरत नु मैली आंख वेखे? मर्द सिर दा ताज ते औरत पैर दी जुती है। ते फिर अजे होई जुती तेरे सिर ते वजेगी ते गज बज के बचेगी। हुन तेनु सिंधा दी छटांगा। तेनु अच्छा इंसान बनाने लई जे मैनू जिंदगी भी देनी पई दे देंगी, जे मैं मर भी गई ते तेरे अंदर का अच्छा इंसान जगा के मरांगी। बकवास बंद कर। हाँ
ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਮੀ ਛੱਡ ਦੇ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਛੱਡ ਦੇ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਿਮੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ जो एक बीवी नू करना चाहिदा सी सुन जिमी एक बीवी का फैसला जिन्ना तेरे बाहर का इंसान बुरा है उन्ना ही तेरे अंदर का इंसान अच्छा है मैं यकीन है जड़ा फैसला मेरी जिंदगी नहीं कर सकी वो मेरी मौत कर देगी अपने चा पूरे पता नहीं लग जाए कि उसकी मौत भी है मर पैदा मेरे को ताड़ी है हालत देखी नहीं जा रही भाई जान आसिफ दौलत तेरी ना सही मेरी सही एक कोई गल है ले दस्खत कर दे आखिर मैं तेरी भैन हां तेरे जई चतर ते चलाक औरत मेरी भैन है रब दी सौ ए सोच के भी मेनू शर्म आंदी ओए मामा पर सानू शर्म नहीं आंदी जे भैन दी नहीं मननी ते भणेवे दी मन लै कर दे दस्खत कर दे ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਸਖਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਏ ਮੇਰੀ ਜਦਾਦ ਤੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਹੱਕ ਅੰਨੋ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰਿਆ ਭੋਲਿਆ ਯਾਰਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਿੰਮੀ ਨੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਰੂਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਚ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ तू नहीं बचना ते नहीं बचेगा मौत तेरा मुकद्दर बन गई है कौनिया सूरा मैं हर मुश्किल दा हल पहले तू सोच के रखना वा मेरे कुल बचन दे सौ तरीके ने मेरे कोलो की में बचेगा है मेरे प्यो नु ते तू मेरे सामने कत्ल किया है मैं अपने शिकार नु हमेशा वट टुक के चीला के सुन देना असी अपने
शिकार नू खेतों वांगू पार के लीरा लीर कर देने आ ऐस गल दी मैंनू समझ नहीं आई करोड़पति कहना बंदे नू मरवाल नहीं तू मैंनू शहरों बुलवाया शेम शेम ओ अजी जिमी बच गया है बच गया है जिमी ओ शरा जिमी जिमी और जिमी एक जिन है जिदे कोलो तू है ना डर रहे ओए तुसी ये नन मार दियो एते मनु जाची नहीं ले जिमी नू लप के मैं मारांगा मैं हैरान क्यों हो गए? क्या शिक्षुली चाट सकते ने?
ते तेरे जे बगैरत नु सूली चढ़ा भी सकते ने। मरन ले तैयार हो जा। ना ये ना, ए मेरा कला कला पुत्र है, एनु कुछ ना कही। तू तू मेनू मार ले। नहीं पुप्पी नहीं, तेरी सजा तेनु मारना नहीं, तेनु जिंदा ले। ना जा पुत्र वे, ना जा। ओदे कोलो ते बच के नस चलिया थे, पर मेरे कोलो की में बचेंगा। मेरे प्यो नु ते तू सजा मारे। इदे विच मेरी सारी दौलत है, इदे विच हीरे जवाहरात ते ढेर सारे जेवरात है, इदे विच कागजात ते मेरी सारी जायदाद है। ले ले ले, सब कुछ ले ले, पर एक वरी इनू उठा के वखा वखा, इनू उठा के जिदे लई सारी जिंदगी धोखे करती रही है, ते ओ भी सच्चे प्राण। ना ना ना, सच्ची सिर्फ दौलत, बाकी सब मसरे। क्यों, मैं ठीक कह रही हूं ना फूफी? आज अपने कले कले पुत्र दी लाश के सामने बैठी है, कहो हुन भी कहो, सच्ची सिर्फ दौलत, बाकी सब मसरे। कहो ना फूफी, कहो केंदी क्यों नहीं फूफी? Chicken.